नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कैसे खुद ही पता करें कि हमारे घर में कोई नेगेटिविटी है या कोई नेगेटिव एनर्जी है, या हमारे कार्यस्थल पे कोई नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी है। दोस्तों, ये बहुत एक कमाल का तरीका है और रेगुलर बेसिस पे अगर आप इसको करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपकी खुद की, यूं कह लीजिए, सबकॉन्शियस ही प्रोवाइड करेगा कि आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि वाकई में यहाँ पे कोई एनर्जी है या नहीं है। जब भी हम रात को सोते हैं तब हमारी जो आत्मा होती है वो बहुत ज़्यादा, यूं कह लीजिए, हमारे शरीर पर भारी होती है और हावी होती है। यूँ कह लीजिए, अभी जीते जी जीवन में हम दिन भर में हम अपने शरीर की पूर्ति के लिए ना जाने कितनी चीज़ें करते हैं, पर रात को हमारा शरीर सो रहा होता है, हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, उस टाइम हमारी आत्मा बहुत एक्टिवेटेड होती है। हमें इसी वजह से रात को सपने भी आते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो असली मूवमेंट्स, जो असली काम क्रियाएँ, हर चीज़ जो कर रहा होता है वो हमारी आत्मा कर रही होती है। सपने भी एक माध्यम है जहाँ हमारी आत्मा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को एनालाइज करती है, देखती है, एग्जामिन करती है, एस्ट्रल प्रोजेक्शन तक होता है रात को। तो हम इन्हीं सब चीज़ों का सहारा लेके, अपने सपनों का सहारा लेके, अपनी खुद की सोल के द्वारा ये पता लगा सकते हैं कि हमारी किसी जगह पे कोई तंत्र मंत्र या नेगेटिविटी है कि नहीं, खासकर कोई नेगेटिव एनर्जी है कि नहीं। आपने करना क्या है कि रात को जब आप लेटेंगे सोने के लिए, आंखें आपने बंद करनी है, और आंखें बंद करने के बाद आपको इमेजिन करना है कि आप अपने ही घर में घूम रहे हो। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके किसी ऊपर वाले फ्लोर पे आपको लगता है नेगेटिविटी है, तो आपको इमेजिन करना है आंखें बंद करके कि आपका पूरा घर खाली है और आप अपने घर में अकेले हो इस टाइम, और आप अकेले उन सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर की फ्लोर की तरफ जा रहे हो, या फिर पूरे आप अपने घर में भ्रमण कर रहे हो, घूम रहे हो। इस तरीके की इमेजिनेशन बहुत लोगों के लिए करनी हो सकता है डिफ़िकल्ट हो, और बहुत लोगों के लिए आसान भी हो सकती है, अगर आप अपनी धीरे धीरे करके इमेजिनेशन पावर बढ़ाएँ। क्योंकि घर की जो तस्वीरें हैं वो आपकी आंखों में, आपके मन में कैद हो चुकी हैं, क्योंकि आप उस घर में रहे हो तो आपको हर कमरे से वाकिफ हो, आपको पूरा नक्शा पता है अपने घर का। तो अगर आप आंखें मीच के इमेजिनेशन करो सोते वक्त कि आप उस घर में घूम रहे हो, वन रूम बाय वन रूम घूम रहे हो, और इस तरीके की इमेजिनेशन आप रेगुलर बेसिस पर रात को करना शुरू करो, तो होगा क्या कि आप जब उस चीज़ को इमेजिन कर रहे होगे, करते करते कब आप नींद के झोंके में आ जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपकी वो इमेजिनेशन आपके सपने में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। सपने में ट्रांसफॉर्म होते ही आपकी आत्मा तो सक्रिय रहेगी रहेगी, पर वो उस स्वप्न को जी रही होगी। जब वो स्वप्न को जिएगी तो सबकॉन्शियसली एक्टिवेट हो जाएगी पूरे ये जो ब्रह्मांड है, जो जितनी भी स्पिरिट्स हैं, हर तरीके की स्पिरिट से कम्युनिकेट करने के लिए तैयार हो जाएगी, और उस इमेजिनेशन के प्रोसेस में ही आपको वो हकीकत पता लगेगी जो जिसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सोचेंगे, आप इस चीज़ को इमेजिन करेंगे कि आप वन बाय वन, वन रूम टू वन रूम जा रहे हैं, और कब आप, जब आप नींद के उसमें होंगे और इमेजिनेशन आपकी चल रही होगी, तब कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई इनसाइट, कोई ना कोई झलक, कोई ना कोई दृश्य ऐसा ज़रूर दिखेगा जो आपको चौंका दे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जब ही उठ के वो करें कि भाई मैंने क्या देखा, हो सकता है आपकी इमेजिनेशन और सपना रात भर चले, आप सो जाएं अच्छे से गहरी नींद में, सुबह जब उठें जब आपको सपना याद हो, या फिर सुबह के टाइम आपको अचानक ये सपना आए क्योंकि रात को आप ये इमेजिनेशन करके सोए थे, तब आपको वो झलकी दिख जाए। और ये भी हो सकता है कि बीच में रात को 2-3 बजे आपकी नींद उठ जाए और आपको ये पता लग जाए कि आपने जो भी सपना देखा उसमें आपने अपना घर देखा, और घर में उस पर्टिकुलर रूम में या उस पर्टिकुलर जगह पे उस नेगेटिव एनर्जी को बैठे पाया, या उस पॉजिटिव एनर्जी को बैठे पाया, या अपने पितर को बैठे पाया। तो ये चीज़ बहुत इजीली आपके साथ हो सकती है कि आप इस चीज़ को जान सकें, ये बहुत पॉसिबल है आपके लिए। बस ये परस्पर, जैसे आप धीरे धीरे रोज़ इस इमेजिनेशन प्रोसेस को करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये इस पूरे प्रकरण में कामयाबी मिलेगी। आपको ये इमेजिन नहीं करना कि वहाँ कोई बैठा है कि नहीं, आपको बस इमेजिन करना है अपने घर का नक्शा रूम बाय रूम, उसको पूरे 3D व्यू में, पूरे 360 व्यू में, कि आप एक के बाद एक हर रूम में जा रहे हैं और आप हैं अकेले और पूरे घर में, बस आपको ये इमेजिन करना है। और जैसे आप जाते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, आंखें मीच के आपने सीढ़ी चढ़ी, फिर आप नेक्स्ट रूम में गए, हाँ मैं अपने इस बेडरूम में आ गया हूँ, हाँ अब बेडरूम में चारों तरफ देख रहा हूँ, हाँ मैं बाथरूम की तरफ देख रहा हूँ, तो इस तरीके से आप मन ही मन जब इमेजिनेशन करोगे नींद भी आ रही होगी
और ये कमाल का प्रकरण होगा जो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राज की बात ज़रूर बता देगा। ये वो लोग भी ट्राई कर सकते हैं जिनकी कोई दुकान है, फैक्ट्री है, कोई काम है। हालांकि उसमें कामयाबी पूर्णतः कम मिलती है, इसलिए क्योंकि हो सकता है आपकी फैक्ट्री में, कार्यस्थल में बहुत लोग रहते हों, उनकी भी ऊर्जाएं होती हैं वहाँ पे, या फिर आपकी दुकान है तो खाली एक वन रूम है, तो आप जो हो सकता है आपको कंप्लीट वो चीज़ ना मिले, बट उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ इंसाइट ज़रूर मिलेगी। ये बहुत कमाल का तरीका है और ये एक तरीका खुद यूँ कह लीजिए मेरा आजमाया हुआ है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जब आप रेगुलर बेसिस पे करोगे तो यू विल डेफिनेटली फील ग्रेट अबाउट इट, यू विल डेफिनेटली गेट सो मेनी आंसर्स, आपको जवाब मिल जाएंगे उन सवालों के जो आप तलाश कर रहे थे कि आपकी पर्टिकुलर जगह पे कोई है कि नहीं है। हो सकता है आपको किसी इमेजिनेशन में ऐसा लगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बट जब आप बार बार करो तो हो सकता है किसी दिन आपको ऐसा देखने को मिल जाए। तो अगर आपको ऐसा कुछ देखने को कोई भी एंटिटी मिले तो इसका मतलब सच में वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ बैठी हुई है, और उसका फिर आपने इलाज करना है, उसको ट्रीट करना है। ये मैं आपसे खुद दिखवा रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा आपको भ्रमित करने के लिए कह दे, बेवकूफ़ बनाने के लिए कह दे कि तुम्हारे घर में तो वो चीज़ है। यहाँ आप खुद देखोगे, खुद एक्सपीरियंस करोगे उसको अपने घर में, चौक में, छत पे, हर कमरे में जाके। तो जब आप खुद देखोगे, आपकी आत्मा खुद नोटिस करेगी ऐसी किसी एनर्जी को, तो अपने आप वो चीज़ आपके सामने है, प्रमाण आपके सामने होगा, तब आप उसकी रेमेडी के लिए जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपके दिमाग में कोई संकोच नहीं रहेगा किसी भी चीज़ को लेके। मेरा यही प्रयास हमेशा रहेगा कि आपके लिए हर तरीके की पैरानॉर्मल वर्ल्ड की जानकारी मैं आपको दूं, और आपको इतना ज़्यादा यूँ कह लीजिए काबिल बना दूं इसमें कि आपको कभी भी दिक्कत ना आए, कभी भी मार ना खानी पड़े, कभी भी आप ठगे ना जाए। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया की जानकारी मिलती रहे। आप ये जब ही करें प्रोसेस, जब आप रात को किसी भी तरीके से आपने जो है सेक्स वगैरह परफॉर्म ना किया हो, या फिर आप रात को मतलब स्वच्छ हो, तभी इस प्रोसेस को ट्राई कीजिए। एंड जब भी आप इस प्रोसेस को करेंगे, अगर आपको लगे कि भाई आपसे नहीं हो रहा है, या आपको जो है कंटिन्यूसली आप इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपने ये करना ही है। इट इज़ जस्ट अ वे टू नो कि आपकी जगह पे कुछ है कि नहीं है। इसमें कोई सबसे सेफ प्रोसेस है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस ये आप एक सबकॉन्शियसली अपनी आत्मा के द्वारा देख रहे हो चीज़ों को कि क्या होता है क्या नहीं होता, क्या वाकई में सिचुएशन है, इसको आप एनालाइज कर रहे हो। आपको सिर्फ अपने घर के दायरे में रहना है, ये आपको समझना होगा, घर के दायरे से बाहर नहीं जाना है इस पूरे प्रकरण में। बाकी जो है रेगुलरली जो है, अगर आपको कोई ऐसी एंटिटी दिखती है आपके सपने में जब आप घर के अंदर घूम रहे हैं, तो आप उस टाइम अगर आपकी आत्मा में इतनी कॉन्शियस होती है तो आप भगवान का नाम भी ले सकते हैं, गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं, या जिस भी आप धर्म के हैं उनका नाम भी ले सकते हैं। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, भूत प्रेत के संकट से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, तो मेरी धुनी ज़रूर मंगवाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा है प्लैटिनम धुनी, उसे घर में जलाइए, कोई भी नेगेटिव एनर्जी होगी चली जाएगी, हाय दोष नज़र टोक हर चीज़ कट जाएगी, कलेश खत्म हो जाएगा, बने हुए जो काम रुके हुए थे वो दोबारा बनने लग जाएंगे। तो इस अगर आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ चाहते हैं तो मेरे द्वारा विमंत्रित लॉकेट या कवच भी ले सकते हैं। दोनों ही चीज़ों के लिए आपको मेरे मोबाइल नंबर 8130331007 पे कांटेक्ट करना होगा। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे। डायरेक्टली धुनी ऑर्डर कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से भी, www.pulkitmohansingla.com, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कॉल कंसल्टेशन बुक करके फ़ोन पे भी बातें कर सकते हैं अपने केस के विषय में, और राय और रेमेडीज़ भी ले सकते हैं, अपनी कुंडली भी बनवा सकते हैं अगर शादी नहीं हो रही या मन चाह कोई काम नहीं बन रहा जो आप करना चाहते हैं। तो उसके अलावा आप कोई भी अपनी कोई परेशानी डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं pulkitsingla901@gmail.com पे। दोस्तों आपको हर तरीके से कोई भी आपके मन में सवाल है, कोई भी मन में प्रॉब्लम्स हैं, आप बेफिक्र होके लिखिए और बेफिक्र होके क्वेश्चन कीजिए उस विषय में, जितनी मेरे बन पड़ेगा आई विल ट्राई टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।